अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट सदर कमाला हैरिस और सबक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहले सदारती मुबास के दौरान दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर कड़ी तनकीद की और मुकामी और बैन अवी अमूर से मुतलक सवालत पर अपने ख्याल का इजहार किया अमेरिकी नशरियाती इदारे ए बी सी न्यूज़ ने रियासत पेंसलवेनिया के शहर फ्लाडल्फिया में सदारती मुबास की मेजबानी की नब्बे मिनट पर मुहित इस मुबासे को दुनिया भर में करोड़ों अफराद ने देखा अमेरिका में 5 नवम्बर को होने वाले सदारती इंतबाब के लिए कमेला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है जबकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की जानब ऐसी मुसलसल तीसरी बार दौर में शामिल है अफगानिस्तान से फौजी इन खला ऐसी सवाल पर कमाला हारिस ने कहा कि वो सदर बाइडेन के अफगानिस्तान से इनखला के फैसले से मुतफ़ थी क्योंकि इसके नतीजे में अमरीकी आवाम को वो अखराज बर्दाश्त नहीं करना पड़े जो इससे कबल एक लामतनाही जंग के नतीजे में इन्हें अदा करना पड़ रहे थे हैरिस ने यह भी कहा कि ट्रंप ने अफगान हुकूमत को पसे पुश डालते हुए दहशत गर्द तंजीम तालिबान से बराह रास्त मुत किए जिसके नतीजे में तालिबान ने अपने पाँच हजार दहशत गर्दों को रहा कराया ट्रंप ने तालिबान को कैंप डेविड आने की दावत देकर बतौर सदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया क्योंकि वो जगह है जहां आलमी रहनुमाओं को मधु किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ मुआदे का दिफा करते हुए कहा कि अगर आप उस वक्त को देखें जब तालिबान हमारे फौजियों को कत्ल कर रहे थे तो उस वक्त इनसे बातचीत की क्योंकि अफगानिस्तान में फाइटिंग फोर्स वही थे उन्होंने कहा कि तालिबान से मुजात के दौरान 18 माह तक हमारा कोई अहलकार हलाक नहीं हुआ और वजीर खारजा माइक पोम्पियो के मुझरात के नतीजे में जो माह हुआ वो बहुत अच्छा था ट्रंप ने बैडन हुकूमत पर मुदे को तबाह करने का इल्जाम आय किया और कहा कि मुआदे पर अमल किया होता तो अफगानिस्तान से जल्द इन खिलाफ मुकम्मल कर लेते और न हमारे फौजी मरते ना हम बहुत से अमरीकियों को पीछे छोड़ आते और न हम वहाँ पचासी अरब डॉलर का फौजी सादो सामान छोड़ाते इनके बकौल तालिबान से मुआदे में सब कुछ तय था की क्या करना है लेकिन बाइडन हुकूमत ने कुछ नहीं किया पूरे मुबासे के दौरान ट्रंप ने बाइडन इंतजामिया की जानब से इमिग्रेशन के मसले से निमटने के लिए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की ट्रंप का कहना था कि तारकिन वतन मुख्तलिफ कस्बों में फैल चुके हैं वो अमारतों पर काबिज हो रहे हैं उन्होंने इनका रवैया पुरतशद करार दिया कमेला हैरिस ने ट्रंप को दो जमाती बिल खत्म करने पर तनकीद का निशाना बनाया जिसके तहत अमेरिका की जनूबी सरहद पर पंद्रह सौ ऐसी जायद सरहदी एहलकारों को तैनात किया जाना था इसराइल हमास जंग पर कमाला हारिस ने कहा कि अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा और वो दो रिया हल की करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जंग को फौरन खत्म होना चाहिए और जंग के खात्मे के लिए जंग बंदी जरूरी है और जरगमालियों की वापसी की भी जरूरत है ट्रंप ने दावा किया की कि अगर कमाला हारिस सदर मुंतब हुई तो इसराइल का वजूद नहीं रहेगा उन्होंने अपने इस दावे को भी दोहराया की अगर वो सदर होते तो सात अक्टूबर को इसराइल के जनूबी इलाकों में के हाथों कतले आम न होता डोनल्ड ट्रंप और कमाला हारिस अपनी इलेक्शन कैंपेन रेली में एक दूसरे पर सख्त तनकीद करते रहे हैं और दोनों ने तोहन अमेज अल्फाज का भी इस्तेमाल किया जिनमें से कुछ ये हैं: ट्रंप वो बहुत बुरी है और काबिल रहम है कमाला अगर ट्रंप दोबारा सदर मुंतब हुए तो वो एक दिन डिक्टेटर होगा डोनाल्ड ट्रंप कमाला हैरिस कम्युनिस्ट हैं कमाला अब तक की सबसे बुनियादप्रस्त इंतहाई बाएं बाजू की इंतहा पसंद सदर होंगी और ट्रंप ने कमाला हारिस पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि कमाला हारिस अमरीकी तारीख की सबसे नायब सदर है कमाला हारिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त अफाज में तनकीद करते हुए कहा कि खातिन के साथ ज्यादती करने वाले शिकारी अपने फायदे के लिए कवानीन को तोड़ने वाले धोखेबाज मैं डोनाल्ड ट्रंप की किस्म जानती हूँ डोनल्ड ट्रंप ने कमाला हारिस को कहा की सदर जो बाइडन की तरह कमाला हारिस भी अमरीका की क्यादत करने के लिए ना अहल है और उन्होंने उनकी शनाख्त पर भी सवाल उठाया और कहा मैं नहीं जानता वो हिंदुस्तानी है या सिया और उनकी हंसी पर भी तनकीद की और कहते हैं क्या तुमने इसकी हंसी सुनी है ये पागल तरीन शख्स की हंसी है